दादाजी खुश के दर कभी से कहीं अभी लीक हो गया पैम पर अच्छा वाला दे देते आज हम एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे क्या आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं ऐसे डराने वाली चीज कोई भी नहीं हो वाह भाई वाह ये मेरी बच्ची के लिए लाए हैं गुड वाह भाई चुप हो जा निपल ले ले निपल ले ले ऐसे नहीं पेशाब में कर दे टेबल पर अरे क्यों अभी लीक हो गया पैम पर अच्छा वाला दे देते जा इसकी चड्डी बदल के करके आ ये सीखना पड़ता है ना कभी कभी बीमार बेगे बीमार होते हैं बच्चे तंग करते हैं खस गुस्से मरे तक छुमका छुना खाना तक ना हो सा मुठे में ख़त्म भाई बेबी फूड के बारे में सुना है आपने बेबी तो बच्चे को बोलते हैं फूड बताइए खाना को पता नहीं क्या आज आपको छोटे बच्चों के खिलाए जाने वाले खाने खिलाएंगे जरूर लेकर आ जाएंगे ये कप को देखो स्टाइल वाला ये चमचा तो बच्चों वाली है ये है खिचड़ी जो कि इंडिया में बच्चों को खिलाया जाता है छोटी का जो चुमका छुना हुआ खुनकुना गिड़ा हुआ खुश मरी का खुनी की तो जन्नान सो जो जी नाजरीन ये हम ट्राई करें जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो बच्चे खाए फिर मैं कहूँ खाओ ना ये हमारे यहाँ बनाते हैं शौक से रमजान में बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बाज की छीन थोड़ा इसमें नमक है नमकीन है ये नहीं कि फीका है तो खाने में टेस्टी लग रहा अच्छा है इसमें मैं तेल कम डालते हैं बच्चों के लिए ख़राब होते हैं जब हमारे यहाँ औरतें बीमार होती हैं उनको दूध नहीं होता है तो बच्चों के लिए इसको पकाते यही सेम चीज़ें लेकिन हम उसको थोड़ा पतला बनाते हैं फिर उसको बच्चों को पिलाते हैं इंडिया में जब छोटे बच्चे पैदा होते हैं तो उन लोगों को सबसे पहले कुछ मीठा खिलाया जाता है जो कि ज़्यादातर शहद होता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी बातें करें मेरी माँ ने मेरे को मीठी उंगली चटाई थी लेकिन मैं तो इससे ज़्यादा दिन लड़ती रहती हूँ बाज की छिल से नवल नणा चुना वधी मत सघो नणा असली हो सी नज़र बात हल करो अठारह के बच्चे के लिए भी छोड़ दूँ ये सारा मैं निकाल लिया ज़बरदस्त बच्चे खाएं और मज़े करें एक शूट पे बच्ची मेरे पास भी बैठा दो ये है मेक्सिको का सूप अच्छा ये सूप सब्जियों से बना है क्या पतले नूडल्स दाल चुना दी के रे या कुल कुल रस चलो हम तो 50 साल के हैं ताकती चीज है ना जबरदस्त है भाई जी बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त है लाजम बच्चों को ये बिल्कुल दरख्त की तरह एक दिन दरख्त को पानी दो कितना चढ़ता है तो बच्चे भी नमकीन है थोड़ा थोड़ा कड़वाहट बिल्कुल नहीं है लेकिन तड़के की वजह से पता नहीं कि थोड़ा तीखा तीखा लग रहा है खाने में जायकेदार लग रहा है ये उन बच्चों को पिलाया जाता है जो दूध हजम नहीं कर सकते माशाल्लाह अच्छा सोच है इसका बेहतरीन सा खाना है हम लोग नहीं देते हैं फिर हमारे बच्चे इतने पतले होते हैं जब बड़े हो जाते हैं हम लोग बोलते ये सीमेंट क्या है उसको उठा तो उठाते नहीं हम पहले उसका खाना ख़राब किया है बचपन में तो ये दादे ना साहब बुनियादी सलाह के तखिर छुमका छुना खबर तंबक फिर पिलशाह से उफ उफ करो गुल वजीर ने खुलो अल्लाह से खुलो छुना खबर तंबक तो ये चले जाओ अन्ना वजह बंदा का समय जगह खराब हो बीमार मर रहा जबरदस्त सब इतना फैंटास्टिक वेरी गुड हाँ दादी खुश के दर कभी खुश मत वाह शुक्र वाह 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 ये है राइस सीरियल जो कि अमेरिका में माएँ अपने बच्चों को खिलाती हैं अमेरिका ना अमेरिकन में मेरी माँ ये खास बच्चों के लिए मैं समझता हूँ वही सब कुछ है जो बच्चे शौक सिखाते हैं इसको क्रीमी क्रीमी है ना
सख्त हो जाए बादाम जीरा अखरोट डालो ना हलवा बन जाएगा फिर बच्चों का नहीं रहेगा फिर हमारा ही रहेगा फिर। जब मैं पैदा हुआ तो वालदा की तबीयत काफ़ी ख़राब थी तो मैं इन्हीं पहले लोहे के टिन्नू में मिलते थे इतना बड़ा टिन्नू हुआ करता था तो वो आज तक भी पड़े हुए हैं। वालिद साहब कहते थे अक्सर तुम मुझे सब बैठों से महंगे पड़े हो। मेरी जो बाबी है ना उसका तो बचा है वो उसके उसमें दूध नहीं है ना वो तो ऐसे चावल का आटे का बना के वो पिला देती है आटे का बना के देती है रबड़ी वो पिलाती है हम तो नहीं पिलाती। बस कुछ बस जबरदस्त वाह राइस सीरियल मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों का तो पता नहीं मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये चाइना में बच्चों को खिलाया जाता है इसमें केला दूध और हरी फली मिक्स है। सही बात कीजिए ना सर्दी तो मखानी ना खोलूँ ना बार रफी ना नुसी ना सर्दी की बस बिल्कुल हमारा मखानी। वाह बेटा आपकी फेवरेट डिश आ गई है। खाने में सही है ग्वार कच्चा है ना तो उसका थोड़ी महक आ रही है लेकिन खाने में सही है मीठा बस जबरदस्त मच्छ खरीदना अगली कुबाखों पर उस पत्ते का ज्यादा ज्यादा गुड। मेरी बेटी केले का बहुत शौकीन है जब भी आता तो बाबा केला लेकर आना केला फिर वो अपने भाइयों को भी नहीं देते छोटे भाई उनकी नहीं देते उनको। चाइना में बहुत जल्दी बच्चों को ठोस खाने देना शुरू कर देते हैं। जो आप इसको देने वाला दोगे तो उसका मुंह बोलेगा नहीं नहीं दो तो उसको खराब करेगा उसी नवाले से वो खराब होगा तबीयत उसका। फैंटास्टिक जबरदस्त जिंदाबाद। आज आपने बच्चों के खाने खाए कैसा तजुर्बा रहा? जो बाहर के मुल्क देते हैं तो हम क्यों नहीं देते क्या वो अलग इंसान है या हम अलग इंसान हैं? हम इंसान तो एक ही है अगर हम थोड़ा चेंज है वेम वाले हैं। दसन गिड़ाए तेरे तो खुश को गिड़ाए तेरे चुना खुश बड़ी सबरी दाइए तेरे तनो गुड़ा आला सीट बंद की बल्लू मरी फिट तो दाड़ के अच्छे अच्छे खाने बनाए खिलाएंगे तो बेचारे बच्चों की जान अच्छी रहेगी उनकी तबीयत सही रहेगी बच्चे खुद अच्छे रहेंगे। बच्चे कोरे कागज़ होते हैं जो सफ़ेद शीट होता है बच्चे ऐसे ही होते हैं अगर आप गलत करोगे तो वही आप गलत भी वही करेंगे तो इससे बेहतर है कि बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो तो वो अच्छा सलूक सीखेंगे। उनका छुना था चला हन्नो ख्याल खबो अलहमदुल्ला जानो जानो अदब ही दे दो था। जी नाजरीन आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल का बटन दबाएं लाइक का बटन भी दबाना अपने दोस्तों में शेयर करें। बच्चे अल्लाह हाफिज़।